क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो? तो चलो यार, आज ऐसे 7 अमेजिंग एप्लीकेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आप अपनी पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे एंड इवेंचुअली बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन पाओगे। तो चलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर और देखते हैं 7 अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग एप्लीकेशंस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। सो हे कॉन्करर्स, आई एम शुभ धोलकिया एंड यू गाइस आर वॉचिंग कॉन्कर वर्ल्ड चैनल। तो अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो या फिर आप कोई भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको प्रोसेस थोड़ी सी पता होगी कि पहले आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसी के साथ साथ रिसर्च, मेकिंग नोट्स एंड उसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग। तो ये एक फर्स्ट पार्ट रहता है। उसके बाद सेकंड पार्ट इज आप वहां पे जाकर शूट करते हो, वहां पे जाकर एज इन आप वीडियोस को शूट करते हो, आप अलग अलग शॉट्स लेते हो, आपको जैसे अपना वीडियो फिल्म करना है वैसे आप पूरा शूट करते हो। उसके बाद जाकर जो वीडियो शूट हुआ होता है वो यहाँ पे आकर एडिट होता है। ओके, एडिटिंग के बाद आप उसको पब्लिश करने के लिए कहीं पे भी शेड्यूल करते हो, आपको जहां पे भी उसको पब्लिश करना है वहां पे आप जाकर उसको शेड्यूल करते हो। तो यार यहाँ पे हमने जो प्रोसेस डिफाइन करी है उनमें 4 जो स्टेप्स है उसको आप स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हो। आपको अपनी टीम को एक बार भी कॉल ना करना पड़े, वो अपना काम अपने आप ही करते रहे, वैसे आप कैसे अपनी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, देखते हैं आज हम इस वीडियो में। चलते डायरेक्टली अपनी फर्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर जिसका नाम है कम्युनिकेशन विथ आवर टीम, मेकिंग नोट्स और उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग भी यहीं से कर रहे होंगे। सो यहाँ पे इसके लिए आप यूज कर सकते हो नोशन को। नोशन अगर आपको नहीं पता है तो नोशन में आप अपनी टीम्स को मैनेज कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप अलग अलग वर्क स्पेस बनाकर उसको भी यूज कर सकते हो। तो आप एक वर्क स्पेस बना लो जिसमें आप अपनी पूरी टास्क को मैनेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपनी दूसरी वर्क स्पेस जो होती है उसमें आप अपनी टीम्स को मैनेज करने के साथ साथ वहां पे आप अपने सभी चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, सभी चीजों के लिए नोट्स, सभी चीजें एक ही जगह पे जाकर आप मैनेज कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको हमारी जो ब्रांड की वर्क स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें हम सभी चीजों को मैनेज करते हैं, हमारी सभी इंस्ट्रक्शन से लेकर पूरी डिटेल्स, हर एक जगह की डिटेल्स जो होती है वो सभी चीज यहाँ पे हमने मेंशन करी हुई है। हमारा पेमेंट कब होता है, हमारी स्क्रिप्टिंग कौन से दिन होती है, शूट्स कौन से दिन होते हैं, हमारे जो एडिटर है उनको कब काम करना रहता है, उनको क्या काम करना रहता है, वो कैसे काम करते हैं, उनको स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, हमारे थंबनेल एडिटर है उनको स्क्रिप्ट कहाँ से मिल रही होगी, सभी चीजें ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद आपको किसी को भी कॉल करना नहीं पड़ता है, आपका काम पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाता है अपने आप ही। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, एक बोर्ड बना सकते हो जहाँ पे आपका सभी काम जो है वो एक एक टाइप से लिखा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएशन स्पेस में आना चाहते हो तो आप इस चीज़ को 100% यूज़ करो और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना लो। चलते हैं डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर जो कि है शूट योर वीडियोस। आप 2 अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। मोबाइल फोन में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन मिल रही होगी ओपन कैमरा। ओपन कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट ओपन सोर्स एप्लीकेशन जिसको यूज करके आप कोई भी अच्छा वीडियो बना सकते हो। बट उसी जगह पे आपको अगर एक पेड एप्लीकेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स वाली एप्लीकेशन चाहिए, तो आप सेकेंड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो जिसका नाम है प्रोटेक। ये एप्लीकेशन के अंदर आपको इन ऐप परचेसेस आ रहे होंगे, एज इन बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को आप खरीद सकते हो और उसके बाद उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप एक ही जगह पे जाकर उसको सेट कर पाओगे, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसको 100% यूज कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप कौन सी ऐप यूज करते हो, इन सभी एप्स में से आपने कौन सी ऐप को यूज नहीं करा था, कौन सी स्टार्ट करने वाले हो, सभी चीजें कमेंट सेक्शन में बताओ। इवन हमारे इंस्टाग्राम पे आओ, वहीं पे बात करेंगे। आपको कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए कुछ सीखना है तो मुझे जरूर से टेक्स्ट करो, हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कोलैबोरेट करेंगे, मजा आएगा। चलते डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर, एज इन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि 3rd नंबर का स्टेप, उसमें आता है एडिटिंग। शूट कर लिया वीडियो, अब उसको एडिट भी तो करना पड़ेगा। अभी अगर आप एडिट कर रहे हो तो आपके लिए, या फिर आपकी टीम में एक वीडियो एडिटर है तो आप वीडियो एडिटर के लिए एप्स देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट ऐप इज काइनमास्टर। काइनमास्टर इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन को मैंने आई गेस 1 साल यूज किया था,
मेरा फर्स्ट ईयर जो था कंटेंट क्रिएशन में, तब मैं सिर्फ काइन मास्टर को यूज करता था। उस टाइम पे मेरा जो पीसी था वो उतना बढ़िया नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे स्पेक्स नहीं थे, तो मैं मोबाइल फोन में ही एडिटिंग करता था और मैं यूज करता था काइन मास्टर। बहुत ही क्लासिक एप्लीकेशन है, उसमें आपको शायद थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट बहुत ज्यादा क्लासिक एप्लीकेशन है, सभी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फिल्मोरा गो। आपको बेसिक से स्टार्ट नहीं करना, आपको थोड़ा सा आता है बेसिक्स तो आप डायरेक्टली जा सकते हो फिल्मोरा गो के साथ। उसमें आपको सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही होगी, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स अलग अलग मिल रहे होंगे, इमोजेस से लेकर स्पेशल इफेक्ट से लेकर फिल्टर से लेकर सभी चीजें बहुत ही क्लासी मिल रही होगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये एडिटिंग ऐप को यूज करके? उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे एक और एडिटिंग ऐप है जिसका नाम है VN Editor। अब यार बहुत सारे ट्रेडिशनल कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो है हमारे, वो सभी लोग इसको बहुत ज्यादा प्रिफर करते थे। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन रही थी उस टाइम पे भी मेरे लिए। VN Editor जो है वो अगर आप व्लॉग बनाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो तो आपको उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स एक ही ऐप के अंदर मिल जाते हैं। आपको अलग अलग कोई भी जगह पे आप जा रहे हो तो आपको दिखाना है कि ये जगह का नाम ये है वो है, अलग अलग चीजें जो होती है व्लॉग्स के अंदर, वो सभी चीजों के लिए आपको टेम्पलेट्स और बहुत सारे स्टिकर्स और बहुत सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसमें भी इन ऐप परचेजेस आते हैं थोड़े बहुत, तो आप उसमें परचेज कर सकते हो। ओके पीपल, तो यहाँ पे यार आ जाता है हमारा शेड्यूलिंग का पार्ट। अब शेड्यूलिंग के बारे में अगर आप एक बड़े क्रिएटर नहीं हो तो आपको थोड़ा सा कम पता होगा, बट आज आपको सभी चीजें पता चल जाएगी। अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो यार शेड्यूलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहां पे जाकर आपकी टीम को बहुत काम करना पड़ता है। ओके बट एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी इंडिया का स्टार्टअप आ चुका है जो कि ये काम आपका बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकता है, बहुत ही इजी कर सकता है। उसका नाम है सिंप्लीफाइड। अब ये चीज पहले साइड में थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूलिंग क्यों काम का है। यहाँ पे यार अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटिंग स्पेस में आओगे तो थोड़े टाइम के बाद आप अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर भी सेम वीडियोस को अपलोड करते जा रहे होंगे। अगर आपने रील बनाना शुरू किया है, आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर हो, तो आप थोड़े ही टाइम के अंदर उसको अलग अलग सभी एप्लीकेशंस के अंदर, एज इन सभी अलग अलग सोशल मीडिया एप्स के अंदर आप उसको अलग अलग जगह पे जाकर अपलोड कर रहे होंगे, राइट? तो आपको हर एक जगह पे जाकर उसको अपलोड नहीं करना है। तो यार यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को इसके अंदर लिंक करवा देना है। उसमें आपको बता देना है कि इस टाइम के ऊपर ये जो वीडियो है, आपको वीडियो वहां पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बेसिकली थोड़ा सा पेड है, बट पे करना तो पड़ेगा, किसी को तो पे करोगे। ओके टीम मेंबर नहीं रख रहे हो तो उस जगह पे इसको रख लो, इसको पेमेंट करो और ये आपका काम सबसे ज्यादा एफिशिएंटली करेगा। ओके तो यार यहां पे जाकर आप अपने वीडियो को अपलोड करो। वीडियो को अपलोड करने के बाद आप उस पे लिख दो कि यार ये सोशल मीडिया के अंदर इस टाइम पे वो चला जाना चाहिए, फिर आपको काम नहीं करना है, ये वेबसाइट काम करेगी। ओके सो इट इज वेरी मच सेफ सिक्योर और आपका टाइम कंज्यूम सबसे कम होएगा, आपके पैसे भी बहुत बचेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसको यूज करने के। तो 110% इसको यूज करो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इन सभी एप्लीकेशंस में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी ऐप पसंद आई, इवन ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। इवन उसी के साथ साथ एक और चीज बताना कि ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हमें वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा ये वीडियो, वो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक लाइक जरूर से हिट कर लो, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो पसंद ही आया होगा। वी अपलोड आवर वीडियोस ऑन एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 9:30 PM। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे को। टिल देन स्टे सेफ एंड सी यू पीपल लेटर।